अभी दे दे मेरे को एक झप्पी और कर ले दोस्ती पक्की। फिर से चक्र, अरे अपनी नीयत साफ कर और एक यार को एक यार वाली झप्पी दे दे। आजा। अभी हो गए अपनी दोस्ती एकदम जे और बीरू की तरह पक्की। अभी तो देख गब्बर बने घर वालों का दिल हम दोनों मिलके कैसे जीत लेंगे। तू टेनी की खुशी का ख्याल करता है ना, तो अब तू देख टेनी टेनी तेरी खुशी के लिए क्या करती है। टेनी मेरा सब कुछ दांव पर लगा है, इसको ऐसी शैतानी मत करना कि मैं अपना सब कुछ गंवा बैठूं। अभी तू बिल्कुल मत डर और तू देख टेनी टेनी की टेनी चाल। इतनी परेशानी भी तुम्हें बदल नहीं पाई टेनी, तुम बिल्कुल वैसी हो, इरादों की पक्की। दादीजी, टेनी टेनी दादीजी आ गए। दादीजी हाँ सुनो जा। अरे सरवरी, भूख के मारे पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, कुछ खाने के लिए तो दे देना। अभी मेरे पास सिर्फ चाय और ब्रेड ही है तुम्हें देने के लिए, थोड़ी देर तक इसे बर्दाश्त कर लो, अभी मैं तुम्हें इतना ही दे सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये चाय और ब्रेड देके तो मेरे को उल्टी आ रही है, ऐसा रूखा सूखा खा के कैसा मरी है, कमजोर मरगिल्ला बच्चा पैदा होगा, बेचारी की किस्मत में क्या लिखा है, ये रूखा सूखा तो मैं नहीं खा सकती हूँ। पार्थ गए हैं ना, अब तुम प्रार्थना करो कि पार्थ को कोई भी काम मिल जाए, मजदूरी का भी मिल जाए, थोड़े बहुत जो पैसे आएंगे उससे हम तुम्हारे लिए खाना ले आएंगे, लेकिन अभी चाय और ब्रेड खा लो प्लीज। क्या बात कर रही है तू, पता नहीं पार्थ को कब काम मिलेगा, कब पैसे आएंगे, कब हमको कुछ खाने को मिलेगा, तब तक मैं भूखी थोड़ी ना रहूंगी। हे भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या किस्मत लेके आ रहा है ये बच्चा, ये सब कुछ होने के बावजूद भी बेचारे को पेट में भूखा रहना पड़ रहा है, पता नहीं भगवान ना करे पे धोने की बस नहीं उसको भीख न मांगनी पड़े। हे भगवान क्या हो रहा है हमारे साथ। दादी आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए दादाजी को बोल यहाँ से भी मत निकलवा देना, मच्छर की तरह दो तीन दिन पड़े रहने दो, जब तक भारत को नौकरी नहीं मिल जाती उसके बाद हम चले जाएंगे। हाँ इतनी मेहरबानी करना, भूखे तो हम ऐसे ही मर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या झेल रहे हैं। अरे दादी जी तो कुछ बिना बोले ही चले गए। बोलेंगी बोलेंगी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, पीछे से पत्थर दिल बन के घूम रही है ना, एक फिल्म में अंदर से मोम की तरह पिघल रहा है इनका दिल। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, अम्मी माता जी अपने साथ से सब कुछ ठीक हो जाएगा, चल अभी थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। लगता है इन तीनों की आंखों का पानी भर गया है, इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी कितनी बेशर्मी से हमारे सामने पड़े। बापूजी चा। सत्यानाश, बापूजी इन तीनों ने मिलकर आपके, बापूजी आपके निर्णय का कैसा मजाक उड़ाया। नहीं लो करो बात, ये भी कोई घर से बाहर जाना हुआ, घर से निकले नहीं कैसे सामने ही बैठ गए छाती पर धरना देकर। नहीं खोटू नहीं कहूं, मैं तो हमेशा आपके मान सम्मान की चिंता में ही डूबी रहती हूँ, मैं तो बस यही सोचती रहती हूँ कि आपका नाम, बापूजी का नाम, मेरे बापूजी का नाम एकदम सूरज की तरह चमकता ही रहे, चमकता ही रहे। पर क्या खाक चमकेगा, घर के सामने ही ऐसे कोयले पड़े हो तो आते जाते हाथ तो काले होंगे ही ना, और ये कौन सा घर से बाहर जाना हुआ। हाँ बापूजी, ये भी भानुशाली परिवार का ही हिस्सा है। हाँ बापूजी, मुझे भी उन तीनों के हमारे घर के सामने रहने पर एतराज है, आप जाकर उनसे कह दीजिए कि सामान बांधे और चलते बने यहाँ से। तुम ठीक कह रही हो इंदु, मुझे उन तीनों को यहाँ से हटाना ही होगा। रुकिए
पार्थ ने आपकी बात का मान रखा है ना, 24 घंटे पूरे होने से पहले उसने इस घर की दहलीज त्याग दी, अब वो भानुशाली नहीं रहा है बल्कि एक आम आदमी की तरह काम और मकान की तलाश में कहीं गया है। जैसे ही 2-4 दिन में उन्हें घर मिल जाएगा वो लोग चले जाएंगे, लेकिन तब तक सब समझदारी और बड़प्पन दिखाएं और जरा शांत रहे। वाह वाह वाह, कहू पड़े हाँ इंदु, श्रीनाथ जी सौनु भलू करे, आज तो तूने बड़ी हिम्मत दिखाई। मेरा मतलब है कहीं पार्थ के मुंह में आकर प्यार में आकर तुम घर की इज्जत को सड़क पे ना ला के रख दो। मैंने तो ये भी सोचा था कि अगर पार्थ ने खून भी कर दिया तो तुम तो उसे जरूर माफ कर दोगी। पर तुमने ऐसा नहीं किया हो, क्या पड़े बाथरूम में नहाओ नहाओ और नहाओ, पर अब जो मैं करने वाली हूँ उससे जो तुम्हारे कैरेक्टर पे दाग लगेगा उसे कोई सोप निकाल नहीं पाएगा। थोड़ा थोड़ा प्यार से होने लगा है आपसे तो थोड़े पे क्यों रुका जाए, क्यों ना कुछ इतना आगे बढ़े कि सारी हदें पार कर दी जाए। मैं बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग वाली लड़की हूँ, क्यों ना दिल दिल से आगे बढ़े, बाहों तक पहुँचे और बाहों से आगे बढ़कर शादी वादी जब होगी तब होगी, पर पहले देख तो ले कि तुम मेरे लायक हो भी या नहीं। अब आएगा प्यार में एक्चुअल ट्विस्ट। टेनी को बहुत गर्मी लग रही थी तो मुंह हाथ धोने गई है। उससे कहो गर्मी के साथ साथ और भी चीजें बर्दाश्त करने की आदत डालनी होगी उसे, और अब तुम लोगों को भी एक मेहनत मजदूरी करनी होगी तभी किसी घर का किराया दे पाएंगे। तो अच्छा हुआ आज गाड़ी धोने का काम मिल गया, 4 पैसे मिल गए तब जाके खाना लेकर आया हूं। अगर छत और खाना दोनों चाहिए तो तीनों को मेहनत मजदूरी करनी होगी। गाड़ी धोते धोते अपने अकल से भी हाथ धो बैठे हो क्या? पढ़े लिखे हो, ढंग का काम नहीं कर सकते? दादाजी ऐसा नहीं है कि मेरे एडुकेशन और पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पर मुझे अच्छा काम नहीं मिल सकता। अगर वो क्या है ना, मेरे हर सर्टिफिकेट पे मेरा नाम पार्थ भानुशाली लिखा है, और अब मैं भानुशाली नहीं रहा, इसीलिए वो सर्टिफिकेट्स मैं से कागज का टुकड़ा बन करेंगे। अब मेरे पास छोटे मोटे काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। क्यों? काम निकालना
धोखा देना, इन सब काम में तो तुम बहुत माहिर हो पार। पिछले 5 महीने से मेरी आंखों में धूल झोंक सकते हो, तो दुनिया को बेवकूफ बना के अपना काम निकालना कौन सा मुश्किल काम है तुम्हारे लिए? दादाजी, दादाजी मैंने हर बार आपका दिल तोड़ा, लेकिन बस अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता जिससे आपको तकलीफ हो। बड़ा बॉम्ब गिराया मैंने, पर ना तो ऋषभ ने कोई धमाका किया और ना ही जागृति का रोना धोना शुरू हुआ। वैसे वो कहते हैं ना, तूफान से पहले बहुत शांति होती है, कहीं ये वही वाली शांति तो नहीं? वैसे मुझे ऋषभ या जागृति से कुछ भी पूछने से पहले थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। सेजू, सेजू, अहिया। सेजू, मुझे ना तेरी मदद चाहिए। सुन, परमा, ये तो झूठ है ना? सेना जी सोनू भलू करे, किसे पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ? तो बस मेरे कहने पर बता गया, जा। परमा, अगर दादाजी को पता चल गया तो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सत्यानाश, कैसे पता चलेगा दादाजी को? तू जाकर बताने वाली है दादाजी को? अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, जा बेटा, जाकर बता क्या, जा। परमा, ये सब करने की जरूरत ही क्या है, रहने देते हैं ना। अरे मारी सेजू, जो बेटा मैं जिंदगी भर भोली बन कर रही, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं बेटा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह जिंदगी भर ऐसे ही भोली बन के रहे। देख बेटा, मैं जो सिखा रही हूँ ना, वो सीख ले, 2-4 पैतरे सीख लेगी ना, तो आगे जाके तुझे ही काम में आएंगे। चल बता, तुझे ऋषभ से शादी करनी है या नहीं? तो बस मेरा वचन है कि मैं तेरी शादी ऋषभ से करवाऊंगी। इसके लिए चाहे मुझे आकाश पाताल एक करना पड़ेगा ना, तो भी मैं करूंगी, पर तेरी शादी जरूर करवाऊंगी। पर इसके बदले में ना, तुझे भी मेरी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है माँ, मैं तैयार हूँ। तो बस जा, बता क्या, बद्दू बेस्ट। अरे मारी भूल से जो, अब मैं तुझे क्या बताऊँ, ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ? खोटू ने कहो, आज तो बा का मन पिघलने लगा है, कल कहीं बापूजी का भी मन पिघल गया तो? और वो तीनों मौके का फायदा उठाकर फिर से घर में टपक पड़ेंगे। ना 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 ना, बड़ा राम बना फिरता था ना पार्थ, तो अब भुक दो, वनवास भी भुक दो, बाकी श्रीनाथ जी सौनु भलू करे। हमें रोकती हो और खुद को तो देखो, दरवाजा बंद करने तक का भी पेशेंस नहीं है ना तुम्हारे पास? कहीं सुबह चाय ब्रेड और अभी पिज्जा ब्रेड। मुझे लगता है तुम्हारा ये प्लान ना फेल होने वाला है, किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। अभी चैन पड़ा मेरे को, भी अच्छा लग रहा है। तुम्हारे टुन्नू के सब बुक्कड़ है नहीं, अभी अंदर बैठे बैठे इतना कुछ मांगता है, बाहर आके तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेगा। दादी जी ने ना सुबह कुछ कहा और दादाजी की नाराजगी तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। जब जब इस धरती पे
अत्याचार बढ़े तब तब अम्मे माता जी ने अवतार लिया। ऐसे जब जब तुम्हारी नैया फंसी है टेणी ने पार लगाई है ना। अरे सिंपल मतलब ये है कि बॉर्डर पे गए सैनिक और टेणी के जो प्लेन होते ना उसमें कभी शक नहीं करना चाहिए। मेरा प्लेन एकदम बंदूक से निकली गोली की तरह निशाने पे लगेगा। तू टेंशन नहीं ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कौन है घर पे जो हमारे लिए परेशान हो रहा होगा? माँ, पापा, क्या दादी? दादाजी पार्थ भाई, वो दादाजी ने कहा है कि आप सब लोग की जगह खाली करके कल सुबह तक यहाँ से निकल जाए। अच्छा मैं चलती हूँ। घर के कल ये घर खाली करना है, अब क्या करेंगे हम? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गोलमाल करना पड़ेगा ताकि हमें कल ये घर नहीं खाली करके जाना पड़े। क्या सोच रही थी? आंखें खुली रख और देख कि अब मैं क्या करूं। जय श्री कृष्ण बापू। क्या बात है, पेड़ पौधों की बहुत सेवा कर रहे हो आप। अरे टेंशन नहीं लो, आपसे दोबारा माफी मांगने आपका दिमाग खराब करने नहीं आई हूँ मैं, बल्कि मैं तो आपको ये बोलने आई थी जो अपनी ईद की सवकत थी ना हमको घर छोड़ के जाने के लिए, उसके बारे में बहुत सोचा मैं। बेचारे पारत ने बिना किराए के घर के लिए बहुत धक्के खाए और फिर मैं भी सोच सोच के थक गई ना। फिर मेरे दिमाग में खरन दौड़ा कि मैं क्यों सोच रही हूँ इस सब के बारे में फालतू में। इसे आंखों से मेरे को अगरबत्ती को जैसे जलाते उस तेल से क्यों देख रहे हो? अरे मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है ना। हाँ तो मैं आपको क्या बोल रही थी कि अभी आपका जो खानदान का वारिस मेरे पेट में फल रहा है, अभी उसको किसी ऐसी वैसी जगह पैदा करके मैं अपने सर पे पाप नहीं लेने वाली। ऊपर से हमारे पास पैसे वैसे है नहीं तो कहाँ धक्के खाते फिरेंगे। और तो और ऐसे ये जो धर्मशाला मेरे की मेरी हालत वैसे बहुत खराब हो गई है तो और किधर जाऊंगी मैं? हाँ पर आप मेरे लक्ष्मी मैया के भैया, आपके पास तो बहुत पैसा है और आपने तो जगह जगह पे गरीब थाने भी खोल के रखे। तो बापूजी आप भी कोई नया घर खरीद के वहां चले जाओ क्योंकि हम तो कहीं नहीं जाने वाले।